सोने से पहले भी एक बार खाया है। सपने में खाया है। ओके सो गाइस, यहां पे इतना जुगाड़ है, वहां पे लगी हुई टैब जिसे धोंगी मैं। हां ये देखो रेस्टोरेंट मालिक। शीतल को काफी आनंद आ रहा है। आ रहा है आनंद? काफी ठंड पड़ रही है ना, है ना? -10 डिग्री चल रहा है दिल्ली में। हर्ष कहाँ जाना है घूमने बता? कहीं भी नहीं। कहाँ मतलब कोई जगह का नाम तो बता। कहीं भी मतलब कहाँ? चलो ऐसे राउंड लगवा के छोड़ दूँ? चल यार एटीएम तक जाना है, वहीं तक आते हैं। ठीक है, तुम्हारा क्या सीन है, तुम क्यों साथ में आए हो? मैं क्या करती घर बैठ के? जब हम बोलते हैं तब तो तुम चलते नहीं हो। लिस्ट लेके अपनी लिस्ट लेके। ओहो डेंजरस लिस्ट। बड़ी खतरनाक है तुम्हारी यार, बड़ा डर लगता है इस लिस्ट से मुझे। हाँ छोड़ दो डरना। छोड़ कैसे दूं, तुम डरा के रखते हो इतना। आज का वेदर देखा तुमने, कितनी फॉग है अभी तक, 2 बज गए हैं तब भी ये हाल है ना। आज धूप निकली नहीं है, मुझे लग रहा है कि शायद बरसात ना हो जाए आज। अभी गुरुद्वारे चलना है ना? हाँ गुरुद्वारे गए नहीं हम यार अभी सुबह से, आज गुरुद्वारे चलेंगे, इसके बाद इसको घुमा लें पहले अर्श को, उसके बाद चलते हैं। चाइना ने वॉल ऑफ चाइना बनाई और ये सोचा कि एनिमीज जो हमारे हैं वो अब हमें हमला नहीं कर पाएंगे, अब हम चैन की नींद सो सकते हैं। लेकिन दीवार बनने के 100 साल के अंदर ही 3 बार इन्वेडर्स चाइना को डिस्ट्रॉय कर गए, और जो सबसे बड़ी बात, उन्हें दीवार चढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसका रीजन ये था, जो गार्ड्स थे उस वॉल के, उन्होंने उन गार्ड्स को ब्राइब किया और दरवाजों से अंदर आ गए। अब चाइना ने अपनी सिक्योरिटी के लिए दीवार तो बना ली, लेकिन जो चीज बनानी चाहिए थी वो नहीं बनाई। अब सोचें कि क्या नहीं बनाई, वो था करैक्टर। उन्होंने अपने गार्ड्स का करैक्टर नहीं बनाया, दीवार बना के ये सोचा कि हम सेफ हो गए। किसी ने कहा था कि अगर किसी कंट्री या किसी फैमिली या किसी नेशन को डिस्ट्रॉय करना हो, 3 रास्ते हैं उसके। सबसे पहला, अगर किसी फैमिली को खराब करना है तो जो उनकी मदर है ना फैमिली की, उसको अंडरमाइन करना शुरू कर दें, ताकि वो लेडी जो है वो गिल्टी हो जाए हाउसवाइफ होने के लिए। दूसरी, एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया जाए, जो यंगस्टर हैं उनको सिखाया जाए कि टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करनी, तो एजुकेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। थर्ड, नेशन को डिस्ट्रॉय करना है तो जो स्कॉलर्स हैं उन पे लोग हैं जो कि रोल मॉडल्स हैं उस कंट्री के, उनके ऊपर फेथ लूज करना शुरू कर दें, उनको डाउट करना शुरू कर दें बार बार, तो नेशन है वो खराब होने लग जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चाइना की बात मैं आज अचानक से क्यों कर रहा हूँ। मेरा ये बात करने का मकसद ये है कि हम लोग भी अपने बच्चों का करेक्टर डेवलप करें। अगर हम करेक्टर डेवलप करेंगे, टीचर्स के प्रति रिस्पेक्ट डेवलप करेंगे बच्चों में, तो जो यूथ है वो आगे चल के नेशन को डेवलप कर देगा, नेशन बना देगा। अदरवाइज जो सिनेरियो चल रहा है उसमें तो आई डोंट थिंक के करेक्टर बचने वाला है, तो गौर करें इस बात पे। बाकी सब बढ़िया है, जैसे कि मैं शीतल को मार्केट लेके आया हूँ, जनरली वो कहती हैं कि जी आप बैठो गाड़ी में, मैं मार्केट होके आती हूँ, सामान लेके आती हूँ, तो मैं वही कर रहा हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ और वेट कर रहा हूँ शीतल की कब आए वो। और सही छांट के देना यार, सही कह रहे हो तुम यार, पर देख हुए हैं ये एक, कोई बात नहीं, बाकी तो सब टाइट है। और केले कैसे दिए? 50 के बारे। केले भी दे दे यार एक दर्जन। अब क्या लेने जाना है तुम्हें? चाउमीन। चाइनीज खाना है अब? चलिए पकड़ ले। We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick chance, so we let them in. ये दे एक प्लेट वेज चाउमीन, पैक कर दो। अच्छा घर जाके ना, वो जो साथ में घर बन रहा है ना, उनसे पाइप गाड़ी के इधर करवा दियो, फिर मैं उसको कह के साफ करवा दूंगा गाड़ी। कल कर देना, बहुत ठंड है यार, आज हाथ पैर गाम हो जाएगी। अरे मुझे सुबह निकलना है जल्दी। अच्छा 9:00 मुझे निकलना है घर से, किसी से कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो इसलिए आज ही क्लीन करवा के रखूँगा ना, तो कल होके आ जाऊँगा फिर टाइम भी। तो बात ऐसी है कि गाड़ी हमने करवा ली है क्लीन, वो रही गाड़ी। गाड़ी बहुत गंदी हो रही थी, एक हफ्ते से किसी ने हाथ भी लगाया था वॉशिंग और क्लीनिंग के लिए, तो फाइनली मैंने गाड़ी क्लीन करा ली है। और बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि आज ऊपर किया जाए बॉनफायर। सो गाइस आज दिन है
फर्स्ट दिसंबर और वेडनेसडे है और आज हम कर रहे हैं बॉनफायर, क्योंकि आज वेदर एकदम ही चेंज हो गया है, बिल्कुल फॉगी। सहज, सारा दिन कहाँ रहती है तू आजकल? बिजी होती हूँ। क्या ऐसा बिजी कर रही होती है तू काम? देखो गाइस, जैसे मैं उठती हूँ उसके थोड़ी देर बाद ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और 2 बजे खत्म होती हैं, फिर हम जो नीचे खेलने चले जाते हैं थोड़ी देर। हाँ, 2 बजे खेलने चले जाते हैं, मतलब मैं थोड़ी टाइम से मतलब 2:30 चली जाती हूँ मैं, यू नो 2 बजे स्कूल खत्म मतलब क्लासेस खत्म होती हैं। तो अरे यार हिला ना रहे हो, मेरी शक्ल नहीं दिख रही हो। अच्छा सुन, मेरी बात सुन। अच्छा मैं बताती हूँ टाइम टेबल। अरे टाइम टेबल बता, मेरी बात सुन। टाइम टेबल नहीं करना किसी ने सुनना तेरा। सुनना बोर होते हैं सब टाइम टेबल सुन के तेरी। नहीं अच्छा सुन, मेरी बात सुन। मैं 2:30 खेलने जाती हूं। अच्छा फिर 3:40 पे आ जाती हूं, 3:45 ट्यूशन चली जाती हूं, 4:45 वापस आ जाती हूं, उसके बाद आके कर रही है ना फिर। अच्छा यार अब तेरे को भैया ने बताया बॉनफायर का? यस बताया है। तो तूने उसमें क्या हेल्प करी उनकी? अरे मैं उसको जलाऊंगी, अभी सारा काम ही मेरा है। चल जा। जलाने का तो काम है वरना बॉल। चल जा, चल चल। अच्छा सुन सुन, बिना चली भी लकड़ी हो हर्ष भैया के साथ जाके ना ऊपर वो जो लकड़ियां लाए हो तुम वो, और साथ में जो तसलाई लेके आया वो ऊपर रख के आओ, जिसमें हम बॉनफायर करेंगे। तो फिर हम, मैं भी ऊपर आ रहा हूँ, नीचे से दादू दादी को बुला लेंगे, अगर आएंगे तो तेरे मम्मी पापा आएंगे तो आ जाएंगे। तो हम हैं टेरेस पे और यहाँ हम बॉनफायर करने वाले हैं। अर्श ने सारा अरेंजमेंट कर दिया, आज करते हैं फिर प्रोग्राम शुरू और बॉनफायर के मज़े लेते हैं। आज थोड़ी ठंड भी ज़्यादा है और वेदर तो सुबह से ही आज ख़राब ही है, फॉग रही है सारा दिन आज। ये क्या कर रही है सहज तू? ऐसे डालते हैं ना सही, और ना करो, ये कल कर रहा। और कल शीतल को काफी आनंद आ रहा है। आ रहा है आनंद? काफी ठंड पड़ रही है ना, है ना? -10 डिग्री चल रहा है दिल्ली में। ठंड हो रही है, मैं आपको बता रही हूं। कक्कड़ पड़ रही है गाइस, गाइस आज तो बहुत ही ठंड है, हद कर दिया। -10 डिग्री चल रहा है दिल्ली में, तो इसलिए हम आग जला के बैठे हुए सारे। बर्फ भी पड़ रही है, ये बुझ जाएगी, पास में लकड़ियां और डालो फटाफट। गाइस अभी अर्शवा बताने वाले हैं कि अर्शवा लोगों को नमस्ते कैसे करते हैं। नमस्ते। तू कैसे करती है? हाय। तू हाय करती है, नमस्ते करती नहीं? ये तो कर क्या रही है, तो पागल हो गई है क्या? बाद में गार्ड बोर्ड डालती जा रही है उसमें। गाइस सारा काम मैंने किया है, पूरी मैंने जलाई है। सो गाइस हमारी छत पे बहुत जुगाड़ है। देखो अभी बड़ी मम्मा ने मेरे को ये कुछ खाने के लिए दिया है। दिखाइयो दिखाइयो, मैं तो खा लूंगा, तुमने खाना नहीं खाओ। ये इतने झूठे हैं, इन्होंने व्लॉग बनाने से पहले भी एक बार खाया है। सपने में खाया है। ओके सो गाइस यहां पे इतना जुगाड़ है, वहां पे लगी हुई टैप जिसे धोंगी मैं। ये देखो रेस्टोरेंट मालिक। और अर्श ले आए हैं म्यूजिक का इंतजाम करके, ऊपर स्पीकर। ओ कोई लिखता तेरी ज़ुल्फ़ों पे, कोई तेरे बुलाने पे लिखता उड़ सारे मेमोरीज़। आई जस्ट ब्लॉट न्यू वॉच, टाइम टू मेक माय रिस्ट बैंड दिस ज़ीरो ऑफ ग्रेविटी कीप्स द फेड इन मी बोर्न इन द डार्कनेस वाइब ऑफ द लाइट। If I die, I'm a fighter, I'm alive. Keep fighting on, listen, keep fighting on. We keep moving up, you can't hold us up. So high, yeah, I'm up above the clouds. So high, yeah, I can't see the ground. So high, yeah, I ain't coming down. तो हम आए हैं अभी ऊपर से बॉनफायर करके नीचे, और हमें आया बहुत ज्यादा मजा। एक साल बाद हमने आज बॉनफायर किया है, और ये आइडिया था पूरा का पूरा अर्श का। मैं तो बैठा हुआ था एडिटिंग करने, सहज थी नहीं, तो अर्श के दिमाग में एकदम ये आइडिया आ गया कि पापा क्यों ना आज बॉनफायर किया जाए। कोई शोर है अंदर अंदर से। तो मैंने तो मना कर दिया था, बट अर्श ने काफ़ी मेहनत करी और लकड़ियां अरेंज करके फाइनली हमने बॉनफायर कर ही लिया, और बल्ले बल्ले हो गई हमारी। तो अब जो है वो टाइम हो गया है डिनर करने का, और डिनर से पहले जो टाइम है वो है व्लॉग को एंड करने का। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं एंड, मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में।
तो यहाँ तक वीडियो देख लिया तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियोस को करें लाइक। सो गाइस, वी हैव ओनली वन लाइफ, लिव योर ड्रीम, लिव योर पैशन, गुड बाय। नो आई एम कमिंग डाउन, राइज अप फ्रॉम द एशेस, विंग्स ऑफ गरम वाले नो साइड डाल दो, मेरी भी लो, गरम में जितना गरम ना पिको, अरे मैं सारा डंडा फट जाएगा फिर कैसे यूज डंडा रहने मेरी लो। My backstay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go.